हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी की घोषणा की गई। हालांकि घोषणा पत्र अलग से और जारी हो गया, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से 10 घोषणाएं जारी की गई, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के तहत हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत हर विधानसभा में 10 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के तर्ज पे इस प्रकार से वहाँ किया गया है, और 5 लाख लोगों को रोज़गार की बात है। 1500 मासिक आय सुनिश्चित किया जाएगा महिलाओं के लिए। तो ऐसे 10 प्रकार की योजनाएँ बागवान ही तय करेंगे अपने कृषि उपज के रेट, क्योंकि वहाँ अभी जिस प्रकार से सेब उत्पादक जो किसान हैं उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इसलिए उसे भी रखा गया है। तो करीब 4 या 5 जो विषय हैं, हाट बाज़ार क्लिनिक योजना के तहत वहाँ भी उस योजना को, तो छत्तीसगढ़ मॉडल का काफ़ी असर उस 10 गारंटी में दिखाई देता है। हाँ, कितने दिन तक हड़ताल करेंगे? अब वापस आना चाहिए, 6% लिए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हर घर में छोड़े काम में लौटे। स्वागत किया सर आपका, मिल के लोग चाहते कि आपसे मुलाकात हो, मेरे से मिल के गए थे, उसके बाद हड़ताल किए। पहले मिले तो मैंने कहा 6% डे देंगे तो सब काम में लौट गए, फिर दूसरा ग्रुप आया तो मैंने कहा चलो काम में लौटो, मेरे से मिल के हड़ताल में गए हैं तब काम में लौटे, उसके बाद मिल लूँगा, मुझे तकलीफ थोड़ी है, लेकिन काम में लौटे तो पहले अजी बिल्कुल होगी, जो लौट जाएंगे उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, जो आदेश है तो वो तो है, 1-2 तारीख तक के ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, तो उसके बाद तो सर्विस ब्रेक भी होगा और तनख्वाह काटने की भी कार्रवाई होगी। नए जिले अब प्रतीक्षित नए जिले का शुभारंभ किया जाएगा, और अभी 3 जिले किए जाएंगे, उसके बाद फिर 2 जिले बाद।